हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से लेकर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने तक। चलिए शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी। इसके अलावा एक वैलिड आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रेडी रखना ज़रूरी है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने से प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वेब ब्राउज़र में जाकर सर्च बार में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंटर करके सर्च करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला लिंक है, लॉग इन हिमाचल प्रदेश एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्लिक करें। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लॉगिन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करने पर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है और आपको डिटेल्स याद नहीं है और आप एक न्यू आईडी क्रिएट कर देंगे, उससे प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास हिमाचल प्रदेश लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको न्यू यूज़र साइनअप पर क्लिक करना है बिकॉज आपने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा है। तो साइनअप पर क्लिक करने के बाद साइनअप फॉर ओनली कैंडिडेट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर और कैप्चा फिल करके साइनअप पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर अकाउंट एक्टिवेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करके एक्टिवेट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ आपने ओके पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आपके आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने बनाया है उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल के नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक अप्लाई रजिस्ट्रेशन और सेकंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करें क्योंकि अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मैप नहीं हुई है। आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा तभी आप ऑनलाइन मैप होंगे। फ्रेंड्स, यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। नेक्स्ट व्यू डिटेल पर क्लिक करें और नेक्स्ट कंफर्म सबमिशन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन मैप हो जाएगी जिसे आप एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर से लॉगिन करके अप्लाई रजिस्टर्ड पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डिटेल जो है वो फिल करनी है। तो जैसे ही आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सब ध्यान से एंटर करें, सब एंट्रीज को एक्यूरेटली डबल चेक करिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करने पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके सेव करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एजुकेशन टैब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करके वन बाय वन
सारी की सारी जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उनको वन बाय वन ऐड करें। अब यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार सब कुछ रिव्यू कर लें। जब आपको लगे कि सब सही है तो सेव बटन पर क्लिक करिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिसलेनियस का टैब दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी फिजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। सो इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आगे आपको एम्प्लॉयमेंट टैब पर क्लिक करना है और अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करें, और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपने एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरनी होगी। और कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सब कैटेगरी पर टैप करके अपना हिमाचली बोनोफाइड अटैच करके अपलोड करना होगा। अगर आप इसको नहीं भी अटैच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इतना करने के बाद आप पीएच वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अपनी डिटेल कंप्लीट फिल करें, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें, और एक्स सर्विस मैन की डिटेल को भी ऐसे ही रहने दें। सो नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सो इसको अपलोड करके सेव पर क्लिक करके सबमिट करें। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप इसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली आपने अकाउंट में लॉगिन करके एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन में जाएं। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन का करंट स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड इशू होने का स्टेटस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मैं हेल्प जरूर करूँगा, और वो टिप है जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला था वो ये है कि आप इस पोर्टल पर आकर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जॉबलेस हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको सबमिशन डेट से लेकर 1 ईयर का वेट करना होगा, और फिर आपको 2 ईयर तक 1000 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।